तो आज हम एक्सीलेंस स्कूल का फॉर्म भरेंगे जो नौवीं क्लास के लिए एडमिशन होता है। उसके लिए MPSOS की वेबसाइट पे आना है और यहाँ से आपको आवेदन करने का लिंक मिल जाएगा और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ आप व्यक्ति का नाम डालेंगे या फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यह सारी जानकारी इसमें पूछेगा। तो आप अपने जो मार्कशीट है आपकी 7th की या 8वीं की वो उसी के हिसाब से डालें, मदर नेम डालें और डेट ऑफ बर्थ डालें मार्कशीट के अनुसार, आधार कार्ड अनुसार बिल्कुल भी ना डालें। यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट करें कौन सी कैटेगरी के आप आवेदन डाल रहे हैं, महिला या पुरुष जो भी हो आप डाल सकते हो। मध्यप्रदेश के निवासी हो तो यस करें, अन्यथा नो करें। मध्यप्रदेश छतरपुर ये जन्म स्थान पूछता है, जहाँ आपका जन्म हुआ है उस जिले का नाम डाल लें या गाँव का नाम भी डाल सकते हो, ज़्यादातर सिटी नेम ही डाला जाता है। 8वीं की मार्कशीट की जानकारी डालेंगे, यहाँ बोर्ड का नाम डालेंगे, यहाँ मध्य प्रदेश डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट जिला सेलेक्ट करेंगे, मेरा छतरपुर है, आपका जहाँ भी हो वहाँ डालें आप। पासिंग ईयर डालें 2024, यहाँ पे दो मॉडल और एक्सीलेंस के लिए डाले जा रहे हैं, लेकिन आपको जो डालना है वो डाल सकते हो। मैंने केस में एक है केवल एक्सीलेंस अकेला, आप मॉडल का भी सिलेक्ट कर सकते हो, बोथ भी डाल सकते हो, सिंगल भी डाल सकते हो। छतरपुर डालोगे, यहाँ आपको पूरा एड्रेस डालना है अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, ये आपका निवास प्रमाण पत्र होगा उसके अकॉर्डिंग ही डालें अपना। मध्य प्रदेश, ये पूरा एड्रेस आपके आधार कार्ड के अनुसार ही होना चाहिए तो जहाँ तक सही रहता है। पिन कोड डालें, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोनों ही एक्टिवेट वाली डालें, क्योंकि कुछ अगर नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो आपको जानकारी मिले, इसके लिए यह डाली जाती है। उसके बाद नीचे फ़ोटो और हस्ताक्षर जो होंगे वो है, आप वाइट बैकग्राउंड का ही फ़ोटो लगा सकते हो, प्लस उसमें नाम और डेट होना अनिवार्य है, 2 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होना चाहिए। और नीचे कैप्चर कोड डाल के सबमिट कर दें, आपका फॉर्म भर गया है। तो इस तरह आप फोटो अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद कैप्चर कोड डालें, मैं घोषणा पर क्लिक करें और सबमिट करें। इस तरह आपका फॉर्म पूरा लॉक हो जाएगा, इस तरह आपका फॉर्म भर गया है, आप देख सकते हैं। एक बार अच्छी तरह जांच कर लें मार्कशीट के अनुसार, उसके बाद ही भुगतान करें, क्योंकि बाद में आपका फॉर्म सुधार नहीं होगा और आपको एग्ज़ाम देने के बाद आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप अच्छी तरह से फॉर्म चेक कर लें, या फिर गलती कोई होती है तो दोबारा फॉर्म भर लें, उसके बाद ही भुगतान करें। नीचे आप अपने नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM, UPI से भी पेमेंट कर सकते हो। मेरा क्योस्क का ID है, इसलिए मैं क्योस्क के अपना पेमेंट करूंगा। बाकी आप इसका पेमेंट कुछ कैश मतलब कि ऑनलाइन कर सकते हो। इस तरह बाद में आपका प्रिंट आउट निकलेगा, इसका आप PDF या प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। आगे आपको एडमिट कार्ड इसी से निकलेगा। धन्यवाद आप सभी का।